जय जय माता दी मित्र, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मैं बताऊं कि ऐसा कौन सा देव देवी देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात जिनसे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती जागृत करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, और तुरंत ही वह आपके साथ हर पल हर लम्हा रहता भी है अदृश्य रूप से, आप उसे देख नहीं सकते, तो वह है आपका कुल देवी। कुल देवी ही आपका सबसे पहला और सबसे जो सबसे ज़्यादा रिश्ता, नज़दीकी जिसको बोला जाता है, वह है आपकी कुल देवी या फिर कुलदेव। तो मैं कुल देवी के लिए बताऊंगा, जिसको जागृत करके, जिसको आप जान के रहती तो वह हर पल है, हर लम्हा है आपके साथ, लेकिन यह है कि बस आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि उसे देखने के लिए सामान्य आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अलग ही मन की दृष्टि चाहिए, जिसे तीसरा आप कहते हैं, और उसके आशीर्वाद के कारण आपके ऊपर कोई दुख तकलीफ आने वाला रहता है या फिर कोई भी समस्या आने वाला रहता है, वो सब चीज़ को वही दूर करती है। और अगर आप उसे अनदेखा कर दें या फिर आप उसका सही मान सम्मान ना करें तो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर सबसे पहले घर में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या, वैवाहिक समस्या या फिर स्वास्थ्य संबंधी, तबीयत खराब, बीमार है ना, तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी को मनाइए, कुल देव को मनाइए, उसकी पूजा करिए। वही है जो सबसे पहले आपका सबसे सगा संबंधी, जो हर पल हर लम्हा आपकी रक्षा करेगा। तो कुल देवी की कृपा पाने के लिए अद्भुत मंत्र है, जरूर करिए, हर इंसान को करना इसे। और इस मंत्र को 108 बार लगातार 11 दिनों तक करना है, गिलास पानी रख करके, और वहाँ पे जहाँ पे आपका कुलदेव कुल जगह स्थान है, मंत्र आपको सामने दिख रहा है, इस मंत्र को 108 बार रुद्राक्ष माला से जाप करें। जगह वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आपका कुलदेव का स्थान है, पूजन स्थान है। इसे प्रारंभ किसी भी दिन से कर सकते हैं, फिर उसको आप देख सकते।